हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे ब्रह्मांड के जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, सब सर्वाधिक शुभ ग्रह जो हैं उनकी बात करेंगे। नाम है गुरु, बृहस्पति। ब्रह्मांड में दो गुरु हैं, एक दैत्याचार शुक्र हैं, एक देवाचार गुरु हैं, जिनको बृहस्पति के नाम से जाने जाते हैं। और इन गुरु की वजह से हम संसार में भी गुरु बनाते हैं। तो गुरु, गुरु का तात्पर्य है जो हमें परेशानियों से मुक्त कर दे, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु है। गुरु की महिमा बड़ी व्यापक है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागौ पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। गुरु वो है जो गोविंद को ला के खड़ा कर देता है। देखिए, इसको आप लोगों ने एक नॉर्मल अर्थ में पढ़ा होगा ना, कि गुरु जी ने कहा कि गोविंद और गुरु को दोनों खड़े हैं तो किसके हम पैर पड़े, तो बलिहारी गुरु आपने गुरु के पैर पड़े। नहीं, बलिहारी गुरु आपने उस गुरु की बलिहारी है जो गोविंद को ला के बता देता है, ये गोविंद खड़े हैं, इनके पैर पकड़ो दोस्त, मेरे पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो गुरु आपको ब्रह्म तत्वों से साक्षात्कार जो करा दे वो गुरु है। खैर, कुंडली में इनका क्या महत्व है, कैसे हम इनको कुंडली जब विचार करेंगे तो कुंडली में इनके महत्व को देखेंगे, किन किन पॉइंट को लेकर बढ़ेंगे, ये सारी चर्चा बहुत सरलतम तरीके से आपके लैंग्वेज में, आपके भाषा में आपको हम बताएंगे। इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल पे नए हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई अगर आपका ज्योतिष सीखना चाहता है उसको इस चैनल से जोड़िए। बहुत सरलतम तरीके से सारी चीज़ों की बात की जाएगी। कुंडली इतने आराम से आपको सिखाई जाएगी बताना, बिल्कुल जैसे काका गाघा पढ़ना है, ABCD पढ़ना है, वैसे ही आप पढ़ सकते हैं। तो खुद सब्सक्राइब करिए, मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए। गुरु ज्ञान के कारक हैं। संसार में जो भी ज्ञान है वो गुरु की वजह से है, चाहे वो धर्म का हो, चाहे आध्यात्म का हो, चाहे टेक्निकल हो। तो एजुकेशन जो है, एजुकेशन पद्धति पूरी गुरु के अंडर कस्टडी में आती है। ज्ञान गुरु की वजह से आता है। गुरु एक अच्छे शिक्षक हैं। तो आप टीचिंग का जाप करना चाहते हैं, जो आपके टीचर हैं, जो बड़े लोग हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, वो शिक्षक जो हैं गुरु हैं। गुरु संतान का कारक है। संतान मतलब भविष्य। तो भविष्य बेहतर बनाना है, होनहार संतान चाहना चाहिए आपको, तो गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। गुरु बड़े भाई का प्रतीक है, बड़े मित्र का प्रतीक है। तो आपके जो बड़े लोग हैं, चाहे ऑफिस में हैं, चाहे संसार में कहीं भी हैं, वो बड़े भाई बड़े मित्र लोग आपके जो हैं गुरु ही हैं। ये शिक्षा का पूरा विभाग इसके अंडर कस्टडी में आता है। साथ में धार्मिक अनुष्ठान जितने भी आते हैं, धर्म के कार्य, धार्मिक शिक्षाएं, धार्मिक संस्थान, ये सब गुरु के अंडर कस्टडी में आते हैं। गुरु का मतलब होता है पवित्र। पवित्रतम जो जगह है ना, वो गुरु है। आपके शरीर में जो पवित्रतम जगह है वो गुरु की जगह है। दान, धर्म, पुण्य का काम करना गुरु के अंडर कस्टडी में आता है। आकाश तत्व जो है ना, वो गुरु का तत्व है। आकाश तत्व गुरु का तत्व है। गुरु विशाल ग्रह है, इसलिए गुरु विशालता को लेकर चलता है। आपके लग्न में बैठ जाए तो आपका कद कांठी बड़ी कर देगा। गुरु स्थूल है, इसलिए जब भी इसका लग्न पे प्रभाव पड़ेगा तो आप स्थूल हो जाएंगे, थोड़ा सा मोटे हो जाएंगे। गुरु विकास का प्रतीक है। तो गुरु जनित व्यक्ति सदैव विकास की बात करता है। गुरु ध्वंस नहीं करना चाहता, गुरु सृजन करना चाहता है। तो संसार में बहुत से लोग ऐसे देखेंगे जो सृजनात्मक होते हैं, जिनका उद्देश्य जीवन में सृजन ही करना होता है, वो आपके गुरु करवाते हैं। गुरु हमारे कुंडली में पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व जन्म के धर्म, पूर्व जन्म के दर्शन, ज्ञान, इन सारी चीज़ों को लेके चलते हैं। तो कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान को समाहित किए हुए आप जज हैं। आप लोगों को मार्ग दिखाने के लिए, लोगों का पथ प्रदर्शन करने के लिए अच्छे वकील हैं। आप वो बैंक मैनेजर हैं जो लोगों की हेल्प करना जानते हैं। वो बैंक मैनेजर नहीं जो कमीशन पे काम करते हैं, वो बैंक मैनेजर हैं जो शोषित वंचित के लिए कर्म करता है, वो गुरु है। कंपनी में बड़े से बड़े जो डायरेक्टर हैं वो गुरु के अंडर कस्टडी में आते हैं। आप स्ट्रो का काम करना चाहते हैं, वास्तु का काम करना चाहते हैं, टैरो का काम करना चाहते हैं, देन आप गुरु हैं। गुरु के प्रभाव से ही आप एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं, एक अच्छे वास्तु, एक अच्छे धर्म गुरु बन सकते हैं। जो इतने भी अपने अपने धर्म के गुरु लोग हैं, जो धर्म गुरु कहलाते हैं, वो गुरु के प्रभाव से ही बनते हैं।
गुरु एक अच्छे शिक्षक हैं, साथ में अगर आपका बुध का प्रभाव आ जाए तो एक अच्छे शेयर मार्केट को जानने वाले हैं। धर्म संबंधी जो भी कार्य हैं उसमें गुरु करवाएंगे। बुध का प्रभाव आ जाए ऐसे नक्षत्र में चले जाएँ जहाँ पर आदान प्रदान से लाभ होता है, तो आपको बुक विक्रेता बन सकते हैं। क्या? बुक विक्रेता। आजकल किताबें बहुत बिकती हैं, तो धर्म संबंधी कार्य के साथ साथ धार्मिक किताबों के लेन देन या पढ़ने पढ़ाने के जितने भी संस्थान हैं वहाँ पे जो बुक स्टॉल लगते हैं वो सब गुरु के अंडर कस्टडी में आते हैं। शिक्षण संस्थान पूरा का पूरा गुरु के अंडर कस्टडी में आएगा। मिठाई की दुकानें, गुरु को खाना बहुत अच्छा लगता है। सेकंड हाउस में गुरु बैठ जाए ना, लोग लिख देते हैं भोजन भट्ट। क्या? कुंडली में लिखा जाता है भोजन भट्ट। तो मीठे का कारक है, तो अगर आपके गुरु बहुत अच्छी डिग्री में है तो आप बहुत अच्छे मिठाई की दुकान रखेंगे, आप बहुत अच्छे हलवाई होंगे जो 5-स्टार होटल में काम करने वाले होंगे। पीला रंग है इनका, पीले रंग में जो भी चीज़ें आती हैं सब गुरु के अंडर कस्टडी में आती हैं। स्वर्ण गुरु के अंडर कस्टडी में है। वित्त, सरकार का कोष गुरु के अंडर कस्टडी में है। कानून की मंत्रणा, ये सब गुरु के अंडर कस्टडी में है। श्रद्धा त्याग समृद्धि ये गुरु के गुण हैं। मंत्र देना, मंत्र लेना, मंत्रणा करना, मंत्रणा देना, ये सब गुरु के अंडर कस्टडी में आते हैं। शिल्प ज्ञान गुरु के अंडर कस्टडी में आता है, जितनी भी संस्थाएं हैं। संपादक आते हैं, संपादक लोग गुरु के अंडर कस्टडी में आते हैं। अच्छा क्वालिटी का दार्शनिक जो दर्शन भी है ना, वो गुरु के अंडर कस्टडी में आता है। शरीर में देखें तो शरीर में जो पाचन तंत्र है गुरु का है। मस्तिष्क पे गुरु का प्रभाव है। आयु का निर्धारण करने में गुरु की 100% भूमिका होती है। महिलाओं में विवाह की जिम्मेदारी गुरु ही लेता है, संतान पैदा करने की जिम्मेदारी गुरु ही लेता है। पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद तीन नक्षत्र गुरु के चलते हैं। बहुत खास बात आपको बताने वाला हूँ, आपने पढ़ा है लेकिन ध्यान नहीं दिया है। किताबें तो बहुत हैं मार्केट में, सब में खास खास बातें ही हैं, लेकिन उस खास बातों को जो पकड़ लेना वही तो फिर दैवज्ञ बनेगा, वही तो ज्योतिषी बनेगा। और हमारा यह चैनल आपको एस्ट्रो बनाने तक नहीं है, मैं एस्ट्रो की बात ही नहीं करता, मैं आपको बात करता हूँ। हम सबको जो काम करने वाले लोग हैं दैवज्ञ तक जाना है। हम सब ज्योतिष के छात्र हैं और ज्योतिष में एक दिन आगे बढ़ते बढ़ते दैवज्ञ तक जाएंगे। इस उद्देश्य के साथ हम आपको यहाँ पे चीज़ें बता रहे हैं। तो यह गुरुदेव 5 अंश के जब कर्क में होते हैं, कर्क मतलब पुष्य नक्षत्र में होंगे, सीधा सीधा क्या कहें, पुष्य नक्षत्र में ये उच्चता प्राप्त करते हैं। और मकर में जब जाते हैं तब नीच के हो जाते हैं। धनु में 10 अंश तक मूल त्रिकोणीय राशि होते हैं, तो धनु और मीन इनकी मूल त्रिकोण राशि है। अब काल पुरुष की कुंडली में अगर आप देखें, काल पुरुष की कुंडली में देखें तो गुरु आपके धर्म के कारक हैं, गुरु आपके मुक्ति के कारक हैं, गुरु धर्म का ज्ञान देने वाले हैं और गुरु आपको मुक्त कर देने वाले हैं। एक ये चीज़, गुरु महाराज दूसरे के, 5वें के 9वें के 10वें के 11वें के कारक हैं। आप अगर गुरु को देखें ना, तो गुरु का कुंडली में इतना ज़्यादा रोल है, किसी का और ग्रह का रोल हो ही नहीं सकता। सर्वाधिक लोग शनि से प्रभावित होते हैं, उसके पीछे जो कारण होता है कि शनि जहाँ बैठते हैं एक घर आगे एक घर पीछे प्रभावित करते हैं। शनि की 3 दृष्टियाँ 6 घर एट ए टाइम प्रभावित करते हैं। 3 नक्षत्र हैं तो 6, 3, 9 ग्रहों को शनि प्रभावित करते हैं। गुरु कितने को प्रभावित करेंगे? ज़्यादा को प्रभावित करेंगे, अभी मैं आपको आपके सामने ही बता देता हूँ। तो गुरु 2, 5, 9, 10, 11 5 भावों के कारकत्व को लेकर चलते हैं। तो 5 भाव तो गुरु के हो गए। गुरु धनु और मीन गुरु की अपनी राशि है, तो 5, 2, 7 हो गए। गुरु की 3 दृष्टियाँ हैं तो 10 हो गए। और गुरु के 6 राशियों में 3 नक्षत्र चलते हैं तो 16 हो गए। 12 घर ही हैं, 16 जगह प्रभाव है गुरु का। 12 घर हैं, 16 जगह प्रभाव है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि गुरु का जो भी नक्षत्र है ना, वो एक राशि में नहीं चलता। गुरु के 3ों नक्षत्र युग्म राशियों में चलते हैं, मतलब 2 पद कहीं है तो 2 पद और कहीं है, 1 पदा कहीं और है, 3 पदा कहीं और है। गुरु का पहला नक्षत्र पुनर्वसु, पुनर्वसु के 3 जो चरण हैं, पुनर्वसु के 2 पार्टों में डिवाइड है। पुनर्वसु मिथुन राशि में है और पुनर्वसु कर्क राशि में है, तो दोनों राशियों में गुरु का डंडा लगा हुआ है, आधार स्तंभ लगा हुआ है। उसी तरह गुरु के जो दूसरे नक्षत्र हैं विशाखा, विशाखा गुरु के तुला राशि में है और विशाखा गुरु के वृश्चिक राशि में है, इसलिए तुला राशि और वृश्चिक दोनों पे गुरु का प्रभाव है। मिथुन और कर्क दोनों पे गुरु का प्रभाव है।
तो इसके साथ साथ गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र कुंभ राशि में है और मीन राशि में, तो ऐट ए टाइम छह राशियों पे गुरु ने अपने नक्षत्रों को लगा रखा है। दो राशियां गुरु की हो गई, आठ हो गए, और गुरु की तीन दृष्टि हो गई तो 11 हो गए। तो गुरु आपके कुंडली में किसी भी स्थिति में आपको बेहतर परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि गुरु 2, 5, 9, 10, 11 के कारकत्व को लेकर चलते हैं। संतान के कारक हैं, धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, कर्मा के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, अतः गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान, भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि आपके जो कर्म होने चाहिए वो ज्ञानात्मक ढंग से होने चाहिए। कर्म तो बहुत लोग करते हैं, फावड़ा लेके मिट्टी खोदना शुरू कर दीजिए, वो भी कर्म है। कुछ लोग एसी में बैठ के 2 घंटे काम करते हैं, करोड़ों कमाते हैं, और एक आदमी दिन भर रिक्शा चलाता है, 500-1000 रुपये पाता है, बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल पाता। तो गुरु आपको ज्ञानात्मक ढंग से काम करवाना चाहेंगे। अब गुरु को हम कैसे कुंडली में लगाएंगे, ठीक है ना? तो गुरु आपके कुंडली में, गुरु को देखिए, गुरु का एक ही नेचर है, गुरु आपको बड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बड़ा। गुरु आपको जिस पार्ट में बैठेंगे उस पार्ट में बड़प्पन देंगे। गुरु का मतलब ज्ञान, तो गुरु आपको ज्ञान देना शुरू करेंगे। अब आपके कुंडली में गुरु प्रथम भाव में हुए तो आप ज्ञानी होंगे, आपको मान सम्मान डेफिनेटली मिलेगा। दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपको मान सम्मान न दिलाए। आपके कुंडली में गुरु प्रथम भाव में है तो आप निश्चित रूप से विद्वान हैं, पेशे से आप टीचर हैं, पेशे से आप ज्योतिषी हैं, पेशे से आप धर्म शिक्षक हैं, पेशे से आप लोगों के दुख को दूर करने वाले हैं, तेजस्वी हैं, स्वाभिमानी हैं, सुखी हैं, सुंदर हैं और धर्मात्मा हैं। इतनी चीज़ें मिलेंगी। यह चीज़ें अलग अलग राशियों पे अलग अलग प्रभाव देंगी, लेकिन देंगी ज़रूर, ठीक है ना? वहीं पे गुरु आपके द्वितीय भाव में है, वे आप टॉकिंग के घर में हैं, तो ऐसे लोग मधुरभाषी होते हैं, गुरु मीठा बोलना। अच्छा, एक और खास बात, गुरु का कोई शत्रु नहीं होता, गुरु किसी को शत्रु मानता ही नहीं। आधे लोगों को समझा देता है, आधे लोगों को प्यार से समझा देता है नमस्कार करके, और आधे लोगों को डंडा लेके पीट देता है, इसलिए गुरु शत्रु नहीं मानता। साधु के किससे शत्रुता? दोस्त, जंगल में जा रहा है, राजा मिल गए, राजा भी नमस्कार करेगा, और अंगुल माल जैसे डाकू मिल गए उनको भी धर्मात्मा बना देता है, महात्मा बना देता है। जाओ घर वालों से पूछ के आओ, तुम्हारे पाप कर्मों में तुम्हारे भागी बनेंगे कि नहीं, ज्ञान देके धर्मात्मा बना देता है। तो गुरु वो बल लेके चलता है। तो अगर सेकंड हाउस में है तो वे आप टॉकिंग आपकी अच्छी है, आपके वाणी पे गुरु का सुंदर प्रभाव है, तो आप बहुत अच्छे ज्योतिषी बनेंगे। आप जब बोलेंगे ना तो आपके शब्दों से मधु टपकेगा, तो आप आकर्षण के केंद्र बिंदु बनेंगे। ये लोग निश्चित रूप से सदाचारी, शांत, पुण्यात्मा होते हैं। अक्सर जो व्यवसाय होता है वो वे आप टॉकिंग से रिलेशन रखता है, मतलब एजुकेशन का काम करना, गायन का काम करना, संगीत का काम करना, इस तरह की चीज़ें। ये अलग बात है कि किस राशि में बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, उसका प्रभाव आपको अलग मिलेगा, वो डिटेल में बातें करेंगे, नहीं यहाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। गुरु महाराज थर्ड हाउस में बैठे हैं, थर्ड हाउस में बैठा हुआ व्यक्ति, थर्ड हाउस किसका है? कर्म का है, लेखन का है। तो ऐसे जातक लेखन का काम करेंगे, जो साहित्य जगत में हैं, जो अच्छे लेखक हैं, अच्छे इतिहासकार हैं, उपन्यासकार का हैं, काव्य की रचना करने वाले हैं, वो थर्ड हाउस में बैठे हुए गुरु की वजह से हैं। ऐसे जातकों का विपरीत लिंगियों से थोड़ा संबंध, चूँकि काम का घर है तो अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी स्थितियाँ कभी कभी दिखाई दे जाती हैं। बहन भाइयों से काफ़ी पटरी खाती है, ऐसे लोगों का विदेश में आना जाना होता है, और ऐसे लोगों के भाई बंधु जो होते हैं ना, भाइयों को महान बनाने की इच्छा रहती है, खुद पढ़े या ना पढ़े भाइयों को पढ़ाना चाहते हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर गुरु बैठे हैं तो ऐसा जातक घर को बढ़िया मेंटेन करके रखना चाहते हैं, थोड़ा सा आराम पसंद करते हैं। गुरु क्या है, खा पी के मोटा हो जाता है, गुरु को खाना बहुत अच्छा लगता है। तो गुरु आपके कुंडली में है तो आप थोड़े स्थूल हो जाएंगे, तो चतुर्थ भाव में गुरु सब कुछ प्रदान करते हैं, भूमि, भवन, वाहन का सुख, थोड़े आराम पसंद हो जाते हैं, सदैव उच्च शिक्षा प्राप्त करने के प्रयास में लोग लगे रहते हैं, माता भी काफ़ी होनहार होती हैं। अच्छा, जिस पार्ट में बैठेगा उस पार्ट को होनहार बनाएगा। लगन में बैठेंगे आप होनहार होंगे, सेकंड हाउस में आपके परिवार में होनहार होंगे, थर्ड हाउस में आपके भाई बंधु होनहार होंगे, चतुर्थ में बैठेंगे माता आपकी ज्ञानी होंगी, कोई डाउट नहीं है। एजुकेशन अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। मस्क आगत छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, उनकी एक एक लाइन पे लोग PhD कर रहे हैं, तो गुरु इन चीज़ों को बताता है। गुरु पंचम भाव में हो तो ऐसे लोग नीत ज्ञान, मंत्र शास्त्र के ज्ञाता होते हैं। क्या होते हैं? नीत ज्ञान जानने वाले होते हैं और मंत्र शास्त्र के ज्ञाता होते हैं। ऐसे लोगों की सलाह बहुत अच्छी काम आती है।
अपने परिवार में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे सप्तम दृष्टि आपके घर पे, नवम दृष्टि आपके लगन पे है, तो आप ज्योतिषी बन सकते हैं, अच्छे क्वालिटी के ज्योतिषी बन सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। आप धर्म गुरु बन सकते हैं। खष्टम भाव में गुरु हुए तो ऐसे जातक रोगों से घिर जाते हैं। ऐसे लोग, मजे की बात बताऊँ आपको, छठवें में जिसका गुरु बैठा हो उससे झगड़ा कर लो, उससे झगड़ा करते ही आपकी प्रगति हो जाएगी। छठवें में बैठे हुए व्यक्ति से जो झगड़ा कर लेता है उसका विकास हो जाता है, क्यों, आपका गुरु गति दे देता है, बेटा जाओ तुम भी क्या सोचोगे किससे झगड़ा किए थे। ये लोग रोगों से घिरे रहते हैं, मतलब जब घर स्वग्रही बैठा है तो ऐसा नहीं होगा, नॉर्मल में पाप राशि में है, नक्षत्र में है। मुकदमे में जीत हासिल करते हैं, सदैव सफलता प्राप्त करते हैं। अपने शत्रुओं को पटकनी देने की क्षमता रखते हैं, पीट सकते हैं, मार सकते हैं, लेकिन उनको भी सुधारते हैं, बोलते हैं डायरेक्ट नहीं मारेंगे, बेटा सुधर जाओ, गलती कर रहे हो, क्यों कर रहे हो यार, क्यों परेशान कर रहे हो। तो मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि ज्ञानात्मक ढंग से समझा के करें, मारना नहीं चाहते, गुरु को मारने में मज़ा नहीं आता। सातवें घर में गुरु बैठे हों, सातवें भाव में हो तो श्रेष्ठ बुद्धि होती है, सप्तम दृष्टि आपके लगन पर होती है, पंचम दृष्टि लाभ भाव में होती है और नवम दृष्टि पराक्रम पर होता है। आप पराक्रमी हैं, श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने वाले हैं, जीवन संगनी भी आपकी श्रेष्ठ होती हैं। भाग्यवान होते हैं ऐसे लोग, नम्र स्वभाव का होता है, धैर्यवान होते हैं, धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि होती है और जीवन साथी भी डेफिनेटली पढ़ा लिखा मिलता है। ये कह लें कि आपका जीवन साथी आपसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है तो या गलत नहीं होगा। अष्टम भाव में जिनकी कुंडली अष्टम भाव में बैठे होते हैं ऐसे जातक दीर्घायु होते हैं। अधिक समय तक ये लोग पिता के घर में नहीं रहते, मतलब अपना घर अलग बनाते हैं, ऐसी स्थितियाँ क्रिएट हो जाती हैं, दूर जाना पड़ता है। अपने जीवन में सब कुछ अपने दम पर प्राप्त करना चाहते हैं, सेल्फ मेड योग बनता है इनके कुंडली में। गुप्त विधाओं के जानकार होते हैं, सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त करते हैं, भाग में वृद्धि प्राप्त करते हैं। अष्टम भाव देखिए गुड़ विद्याओं का है, तो यहाँ पर बैठा हुआ गुरु आपसे योगा कराएगा, यहाँ पर बैठा हुआ गुरु आपको प्राणायाम सिखाएगा, यहाँ पर बैठा हुआ गुरु धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने की प्रेरणा देगा। तो आप मंत्र शास्त्र जान सकते हैं, आप ज्योतिष जान सकते हैं, वास्तु जान सकते हैं, धर्म के मूल तत्वों के बारे में आप शोध करेंगे। अष्टम भाव का जो गुरु होता है ना, वैज्ञानिक बनाता है, शोधकर्ता बनाता है, लेखक बनाता है, तह में जाके सोच कराता है। तो ऐसे लोग ऐसा काम करते हैं, ससुराल भी ठीक ठाक मिलती है। गुरु आपके नवम भाव में हो तो ऐसे जातक धार्मिक होगा। नवम भाव किसका है? धर्म का है। सुंदर मकान का निर्माण कराते हैं, मकान वगैरह बहुत सुंदर रहते हैं, आप उनमें धर्म जो भी होगा ना, धर्म की चीज़ों को लगा के चलेंगे। भाई बहनों से विशेष स्नेह रखते हैं, क्योंकि सातवें दृष्टि सप्तम भाव पे, पंचम दृष्टि आपके लगन पे है तो श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं। नवम भाव का गुरु ज्योतिष का काम कराएगा, डेफिनेटली आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, अंक शास्त्र ज्ञाता हो सकते हैं, वैदिक ज्योतिष जानने वाले हो सकते हैं, क्योंकि पंचम दृष्टि आपके लगन पर है, तो गुरु आपको ज्योतिष के कार्यों में आगे बढ़ाते हैं। ये लोग काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और ज़्यादातर ऐसे लोग ठीक ठाक परिवार में, मतलब आर्थिक दृष्टिकोण से जिनका परिवार बेहतर होता है वहाँ पे जन्म लेते हैं। साले साले भी पढ़े लिखे आपको मिलते हैं, साले साले भी ज्ञान प्राप्त होते हैं, संतान की संतान भी तेजस्वी होती है, संतान तेजस्वी होगी, आपके नाती पोता भी तेजस्वी पैदा होंगे। दसम भाव में गुरु हों तो ऐसे जातकों की रुचि प्रॉपर्टी में, गवर्नमेंट सर्वेंट भी होते हैं, टीचर का काम करने वाला, बैंक में काम करने वाला, टीचिंग से रिलेटेड प्रोफेशन में जाने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग अपना घर निश्चित रूप से बनवाते हैं, घर एक नहीं दो बार बनवा लें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन लोगों को अगर शुभ नक्षत्रों का प्रभाव हुआ तो पेंटिंग में बहुत रुचि होती है, पेंटिंग करना इनको अच्छा लगता है, लिखना अच्छा लगता है, कुछ न कुछ सृजन करते रहना अच्छा लगता है। इस भाव में गुरु होने से जातक स्वतः खुश रहने की कोशिश करते हैं, आर्थिक रूप से समृद्ध होते हैं, पिता भी महान होते हैं, पिता से संबंध अच्छे होते हैं, सरकार से सर आप ऊपर बैठे हुए अधिकारियों से संबंध बेहतर करके रखते हैं, क्योंकि गुरु लाइजन का ग्रह है, गुरु मीठा बोलता है, वे आप टॉकिंग का ग्रह है तो बेहतर करता है। गुरु एकादश भाव में हो तो ऐसे लोगों में व्यापार में बहुत दक्ष होते हैं, लाभ का घर है ना, सरकार से लाभ, पिता के धन का लाभ, बड़े भाई से लाभ, पत्नी से लाभ, संतान से लाभ, हर तरह से लाभ, तो यहाँ पे हर तरह से लाभ होता है, बिजनेस में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। इस घर में बृहस्पति अपने मित्र ग्रह में हो गए, मित्र ग्रह की राशि में हो गए, शुभ नक्षत्र में हो गए, तो आपका व्यापार विदेश तक जाता है, व्यापारिक रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं, बड़े भाइयों से लाभ होता है। द्वादश भाव में अगर गुरु बैठे हों
तो द्वादश भाव का गुरु क्या होता है, मुक्ति की बात करता है, मुक्त हो जाओ बेटा, खर्च ज़्यादा कराता है, स्वभाव थोड़ा सा आलसी हो जाएगा, कम खर्च करने पर अगर आपके खर्चे कम है तो प्रवृत्ति हो सकता है दुष्ट हो जाए, ऐसा शास्त्रकार, जरूरी नहीं है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा किस राशि में बैठे हैं और किस नक्षत्र में बैठे हैं, लेकिन द्वादश का धर्म कर्म में गुरु खर्च कराने वाला बनता है। जो पार्ट में गुरु का प्रभाव आएगा उस पार्ट पे गुरु आपको बड़प्पन दे देगा, बड़ा बना देगा, उस पार्ट में बड़प्पन आएगा, ज्ञान देने का काम, खर्च करने का काम, निस्वार्थ सेवा का काम, काम करना गुरु का काम है। गुरु आपके कुंडली में शरीर में पाचन तंत्र का प्रभाव लेके चलते हैं, आपके मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है, तो गुरु अगर खराब हुए तो आपको लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, उदर संबंधी परेशानी, मस्तिष्क में परेशानी, इस तरह की वे ऑफ टॉकिंग में परेशानी, संतान उत्पन्न होने में परेशानी, धन इकट्ठा करने में परेशानी, लाभ में परेशानी, नौकरी में परेशानी, इतनी सारी चीज़ें। देखो जो गुरु बहुत चीज़ देने वाले हैं ना, तो अगर ख़राब हुआ तो बहुत चीज़ों को छीन लेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो कुंडली में गुरु इतनी चीज़ों को लेकर चलते हैं, तो जब आप कुंडली विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि मान लीजिए दशम भाव का कारक तो गुरु के पास है, तो गुरु किस नक्षत्र में बैठा है, तो गुरु इन इन चीज़ों का कारक है, तो गुरु इन इन चीज़ों को जीवन में देगा। तो कुंडली विश्लेषण में ये आपके लिए बहुत सहायक भूमिका निभाएंगे। ध्यान रखिएगा, गुरु में सर्वाधिक, कुंडली में सर्वाधिक कारकत्व गुरु के पास है। गुरु कुंडली में 2, 5, 9, 10, 11 के कारक हैं। गुरु 6 राशियों को एट ए टाइम अपने नक्षत्रों से प्रभावित करते हैं। गुरु की 5 दृष्टियाँ हैं और 2 राशियाँ हैं, और 3 दृष्टियाँ हैं, 2 राशियाँ हैं। तो गुरु अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देते हैं कुंडली में, कहाँ पे कैसे, और बेहतर जानकारी के लिए जब नक्षत्रों पे इसकी चर्चा करेंगे तो आपको 1-1 घंटे की वीडियो बना के देंगे। अभी 20-25 मिनट में काम चलाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। जो लोग नए तरीके से सीखना चाहते हैं उसको यहाँ पे चैनल पे जोड़िएगा। हम ये चाहते हैं कि हम लोग जब यह संसार से विदा हों, ठीक है ना, अभी 4-6-10 साल यूट्यूब जगत पर काम करना, ज़्यादा नहीं 5-6 साल काम करना है, तब तक एक बढ़िया सी टीम तैयार करके जाएंगे, सैकड़ों अच्छे ज्योतिषी तैयार करके हमें आपको जाना है, ठीक है ना। नई पीढ़ी को ये नहीं सोचना है कि हम उनको सिखा देंगे तो हमारा काम बंद हो जाएगा, ऐसे जो सोचने वाले लोग हैं ना, बहुत सूक्ष्म बुद्धि है आपकी अगर ऐसा सोचते हैं तो। महाराज 140 करोड़ आबादी है भारतवर्ष की, मैं दिन भर में मेहनत करता हूँ तो 10 कुंडली देख पाता हूँ ईमानदारी से, 8-10, 8-10, क्योंकि कुंडली देखना मजाक का विषय नहीं है ना। हाँ, कुछ लोग मैंने सुना है कि YouTube जगत में कहते हैं कि दिन भर में 100-100 कुंडली देख लेते हैं, 200 देख लेते हैं, अब उन्होंने कहा है कि मैंने 6 लाख 5 लाख ऐसे ऐसे बताते हैं कि हमने इतनी उम्र में देख ली है। परमात्मा अब कैसे देखते हैं मुझे नहीं पता चलता, लेकिन अगर आप ईमानदारी से देखें ना तो 5-10 कुंडली देखने में मज़ा आता है। कुछ लोग हमारे चाहने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि आप और आपकी टीम प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है ना, मैं कभी प्रोफेशनल बनूंगा भी नहीं, मैं YouTube में ज्योतिष में पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा टारगेट पैसा, टीम चलाना है, इसलिए कुछ सिस्टम है उसको अपग्रेड कर रखा हूँ, हम प्रोफेशनल बनेंगे भी नहीं सर, आप हमारे लिए कस्टमर नहीं हो और मैं आपके लिए व्यवसायी नहीं हूँ, हमारा आपका दो ही रिश्ता है, मित्र हैं आपके, छोटे भाई बंधु हैं, बहन है हमारे, तीसरा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए हमसे कभी प्रोफेशनल ज्योतिषी की तरह आप अपेक्षा मत करिएगा, हम वो बन ही नहीं सकते, हम व्यवसायी नहीं हो सकते। शेष आप साथ बनाए रखिएगा, मज़ा आएगा। राधे राधे।